अस्सलामुअलैकुम। इस अपने पास एक ब्रेकर है बुश का ब्रेकर। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, इसमें जो बुनियादी चीज़ें समझने की होती है, जैसे मैंने पहले बताया था C20 लिखा हुआ है, मतलब 20 एम्पीयर का ब्रेकर है, ठीक है। ये नज़र आ गया होगा आपको, ये रहा C20 बुश का ब्रेकर। अच्छा देखें, ये बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, पाकिस्तान के हैं, मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि देखें इसकी हालत देखें क्या हो रही है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहे हैं, लगाते हैं, सही है। अभी देखें आपके सामने एसी को हम ऑन करते हैं, आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, डिस्प्ले आ गया होगा, नहीं? ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं, सॉरी, ये अंदाज़ा लगाएं माशाल्लाह। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान की चीज़ें बेहतर होती हैं, इसकी हालत देखें क्या हो रही है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है कि, और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आप चीज़ पे ना जाएं, ये देखें कि वो चल रही है कि नहीं चल रही। बाज़ औक़ात बिल्कुल चीज़ साफ़ सुथरी होती है, लेकिन जब चेक करते हैं उसकी तो ये हालत होती है। तो कहने का मकसद ये है कि कभी भी काम करें एहतियात करें, 3 फेज के, सिंगल फेज के काम करें, इलेक्ट्रिक से ख्याल करें, अपने आप को बचाएं, और दूसरे ये कि दूसरे के सामान और अपनी जान की हिफाजत करें। इस वक्त जो हमारे पास ब्रेकर है, ये रहा, इसलिए मैं पाकिस्तान की चीज़ों को रेकमेंड करता हूँ। इलेक्ट्रिक के आइटम इनके अच्छे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कितने कॉपर बोर्ड हैं, ये कॉपर का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये 16 एम्पीयर है, तो अभी हम इसमें 16 एम्पीयर का लगाएंगे ब्रेकर, क्योंकि हमारे पास जो एसी है, इस वक्त जो आउटपुट है एसी की, वो हमारे पास है 1.5 टन का एसी, ठीक है। तो ख्याल करें, कभी भी काम करें एहतियात करें, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।